could be good for me. Lately I was feeling like I need a Give me the impression that I won't scratch your surface. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग। आई होप आप सभी को मेरा धर्मशाला वाला सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से कोई ट्रैवल वीडियोस भी बनाते रहूं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं इसी तरीके से न्यू वीडियोस लाती रहूंगी। और ये है मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो, जहाँ पे हम निकल चुके थे अपने दूसरे साइट सीइंग के लिए, जो कि हम सोच रहे थे जितना भी हो सके धर्मशाला में एक्सप्लोर करना है। हमें सारे साइट सीइंग करने हैं, जितने भी यहाँ पे मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मैंने उसका विश लिस्ट रेडी कर रखा था, मुझे पता था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन या फिर साइट सीइंग कह सकते हैं आप, होने वाला था भक्सुनाग वाटरफॉल। यहाँ पे वाटरफॉल के लिए आपको यहाँ से मार्केट, मेन मैक्लॉयडगंज मार्केट होते हुए जाना था। यहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग किया अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। खैर, हम जाने वाले थे पहाड़ों के बीच में, झरनों के बीच में। एक्सपेक्टेशंस तो हमारी काफ़ी हाई थी, बट आप लोग मेरी तरह कुछ गलतियां मत कीजिएगा जो हम लोगों ने भी गलती की थी। रिग्रेट है उस बात का, लेकिन वो क्या रिग्रेट है, क्या हमने ऐसा किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मिस आउट मत कीजिए। बिकॉज कोई भी धर्मशाला घूमने का और इस साइट सीइंग को विजिट करने का प्लान कर रहा है तो मेरी वीडियो देख करके जाना तो मस्ट है, ताकि आपको भी वो रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ये वीडियो चेकआउट कर लिया होता। भक्सुनाथ वाटरफॉल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है अराउंड 20 मीटर्स। जो वाटरफॉल है वो अराउंड 20 मीटर्स लंबा है, एंड इट डेफिनेटली फील्स लाइक हेवन ऑन अर्थ ड्यूरिंग मॉनसून्स। विंटर्स में तो नहीं, बट मॉनसून्स में ये प्लेस सच में देखने लायक होती है। अगर मैं इस वाटरफॉल की लोकेशन की बात करूं तो ये मैक्लॉयडगंज मेन मार्केट में है, जो कि धर्मशाला में है। यहाँ पे विज़िट करने के कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप लोग टाइमिंग्स के बारे में पता करना चाहते हैं तो टाइमिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 7 AM टिल 9 PM। बिकॉज अंधेरा हो जाता है तो यहाँ के जो स्टेप्स है वो इतना नैरो है कि आपको देख के और संभल के चलना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग 9 PM तो बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग है, बिकॉज हम 6:30 के आसपास यहाँ से बाहर आ जाते हैं। फाइनली 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच चुके थे वाटरफॉल के पास। और क्या है वो रिग्रेट जो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि अगर इस सीजन में आप प्लान कर रहे हैं मैक्लॉयडगंज ये वाटरफॉल देखने का, तो प्लीज़ इस वक्त वाटरफॉल देखने का बिल्कुल सही टाइम नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल नहीं हुआ है, आइस मेल्ट नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ पर कोई वाटरफॉल नहीं दिखने वाला है। तो अगर कोई प्लान कर रहा है तो प्लीज़ जाने से पहले अभी भी इस वीडियो को चेकआउट कर ले, बिकॉज वहाँ आपको कोई पानी नहीं दिखने वाला है, पूरा ड्राई पड़ा हुआ था। वहां पे वाटरफॉल था ही नहीं, बल्कि इतना सा पानी था ना, कहते हैं चुल्लू भर पानी, बस चुल्लू भर ही पानी था, उसमें डूब भी नहीं सकते थे, वो पानी इतना कम था। बट ये था इतना चढ़ाई करने के बाद वो जो रिग्रेट हुआ है ना, हमें पता होता शायद हम उतना चढ़ के, बिकॉज काफ़ी लोगों का वहाँ पे मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज वहाँ कोई झरना नहीं था, कोई वाटरफॉल नहीं था, कोई पानी नहीं था। तो जितना चढ़ाई करने का अफसोस हुआ है हमें, हम क्या बताएं। लेकिन अब ऊपर पहुँच ही गए थे तो वहाँ पे खाने पीने का सामान काफ़ी अच्छा था,
आप बैठ करके वहाँ पे ड्रिंक्स ले सकते हैं, हुक्का कर सकते हैं, और कैफे में आपको जो जो खाना है, मोमोज, मैगी, पहाड़ों पे तो यही सब फेमस होता है, तो वो सब आप खा सकते हैं। यहाँ पे प्लेसेस टू ईट नियर बक्सू फॉल है, मतलब जो मेरे को अच्छा लगा वो है मॉर्गन्स प्लेस, ट्रैक एंड डाइन। नेक्स्ट चीज़ होने वाली थी, 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के गए तो 2 किलोमीटर नीचे भी तो आना है, बट यहाँ पे मैं कुछ सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आप विंटर्स में प्लान नहीं कर रहे हैं, समर्स में ज़रूर वहाँ पे विजिट कीजिए, मॉनसूनस में, नॉट इन दैट रेनी सीज़न, बट थोड़ा सा पहले आप उस समय पे अगर विजिट करते हैं ना, बेस्ट टाइम तो है समर्स में जाइए, जब आइस मेल्ट होता है तब वो शायद वाटरफॉल बहुत अच्छा होगा। आज से 5 साल पहले जब हमने 2019 में वहाँ पे विजिट किया था, तब वहाँ पे इतना अच्छा वाटरफॉल था, इतना अच्छा पानी था, बट इस समय हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट अगर आप लोग अभी भी वहाँ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो स्किप दिस साइट, इस साइट सीइंग को आप बाद के लिए रखिए, लेकिन अभी के लिए नेक्स्ट जहाँ पे मैं आपको ले जाने वाली हूँ आप वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। वाटरफॉल तो हमें देखने को नहीं मिला, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अपने मेडिसिंस, कोल्ड, अगर कोल्ड में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने मेडिसिन ज़रूर कैरी कीजिए, कैमरा अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा हैवी चीज़ लेकर के चढ़ाई मत कीजिए, स्पोर्ट्स शूज़ पहनना इज़ मस्ट बिकॉज, एंड अपना जैकेट स्वेटर, बिकॉज अगर आप चढ़ाई करके ऊपर गए हैं, नीचे आते आते टाइम तक में भी ठंड बढ़ जाती है, या ठंड तक आप वापस आते हैं इवनिंग में जा रहे हैं, तो अपना जैकेट्स कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और वहाँ पे स्टोन्स के पास अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हैं, मॉनसून्स में जा रहे हैं, समर्स में जा रहे हैं, तो स्लिपरी होता है जगह, तो थोड़ा सा अपने स्लिपर्स का, फुटवेयर का हमेशा ध्यान रखें बिकॉज वहाँ पे स्लिपरी हो सकता है। नेक्स्ट हम पहुँच चुके थे सेंट जॉन चर्च, जो कि एक मस्ट विजिट प्लेस होता है अगर आप वहाँ जाते हैं तो, ये लोकेशन भी टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है, मुझे फ़ोटोज़ पर्सनली क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस समय पे जिस समय हम यहाँ पहुँचे थे उस समय के फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते बिकॉज सनसेट के टाइम पे ही था ऑलमोस्ट। तो ये चर्च में मतलब हम लोग क्रिश्चियन तो नहीं है, बट चर्च तो क्रिश्चियन हो या कोई भी हो विजिट करना चाहिए, क्योंकि गॉड तो मेरे ख्याल से एक ही होते हैं, आप उसे हिंदू के रूप में पूजे या फिर क्रिश्चियन के, तो यहाँ पे विजिट करना मस्ट है। ₹1905 में जो अर्थक्वेक भी आया था, बट इस चर्च का कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ से वहाँ नहीं हुआ था, ये स्ट्रक्चर वैसे ही सर्वाइव किया था एंड इट इज़ स्टिल देयर। यहाँ पे खूब सारे फोटोज़ क्लिक करने के बाद हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, बिकॉज एक दिन में हमें 3 साइट सीइंग करने ही थे, जिसमें से एक दो साइट सीइंग अभी भी रह गए थे, बट उसे हम अभी एक दिन और बचा था तो वहाँ के लिए भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ रखी थी कि नेक्स्ट डे में भी हमें बहुत सारी जगह पूरी करनी है। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे मैक्लॉयडगंज रोप वे का, बिकॉज हमने बहुत सुना हुआ था कि मैक्लॉयडगंज से धर्मशाला के तरफ आप लोग ये रोप वे के थ्रू जा सकते हैं, जिसका चार्ज ₹650 फॉर बोथ साइड एंड ₹450 फॉर वन साइड था, और इसका एक्सपीरियंस ना अब तक के पूरे टूर में बेस्ट एक्सपीरियंस था। धर्मशाला स्काईवे इज़ 1.8 किलोमीटर्स रोप वे बाय विच यू कैन रीच मैक्लॉयडगंज फ्रॉम धर्मशाला इन जस्ट 10 मिनट्स ओनली। इस
इस रोपवे में टोटल 18 कैबिन्स है जिसमें एक कैबिन में 8 लोग आ सकते हैं। इस रोपवे से आपको पूरा धर्मशाला इतना अच्छा सीनिक व्यू के साथ दिखता है। हम फिर से यहाँ पे आए थे सनसेट के टाइम पे और आपको वहाँ पे सन ढलते हुए दिख रहा होगा, सनसेट होते हुए दिख रहा होगा। इसमें बैठने का मज़ा इतना अच्छा था कि हम नेक्स्ट डे भी सोच रहे थे क्यों ना हम रोपवे के थ्रू ही मैक्लॉयडगंज पहुँचे। सबसे सेफेस्ट, सबसे ईजीएस्ट और ये जो सीनिक व्यू का मज़ा था ना, वो रोपवे में ही मिल सकता है। आपको कैब्स में, बसेस में इतना अच्छा व्यू नहीं मिल पाता जितना आपको, काश मेरे पास ना ड्रोन होता, मैं ड्रोन शॉट्स भी लेके आपको दिखाती, बट ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे कितना अमेजिंग व्यू है, कितना मेस्मराइजिंग वो टाइम था ना, मैं क्या बताऊँ। बस आप देखिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। I was feeling like I need a purpose. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? हमें इस रोपवे पे चढ़ने से पहले लग रहा था कि पता नहीं कनिष्क बैठेगा या नहीं बैठेगा, उसको डर तो नहीं लगेगा, बट जब वो घुसा ना, सबसे ज़्यादा इस केबिन में भी उसी ने मज़े किए। यहाँ इस सीट से उस सीट तक उसने इतना मज़ा किया, उसको कॉर्नर में खड़े होने में भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि हम लोग को एक पल को सोच रहे थे कि खड़े होकर नीचे देखे या नहीं देखे, नीचे देखने में हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन कनिष्क को तो बिल्कुल मज़ा आया। उसको तो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मम्मा वो क्या है, मम्मा वो क्या है। उसने खैर पूरा रोपवे बहुत अच्छे से इंजॉय किया, हमने भी बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और ये इस तरीके से बनाया हुआ है ना, इतना सेफ्टी के साथ कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड ब्लॉग। मैं जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लास्ट धर्मशाला ट्रिप के वीडियोज़ के साथ। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।